अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। प्रभु नाराज हैं शहर से, अब इस प्रदेश में शैतान का शासन होगा तो प्रलय नहीं आएगा क्या? हमारे पास वक्त बहुत कम है। टप्पू मां ने टीवी पर जो बयान दिया है उसके बाद बहुत लोग तुम्हें मारना चाहते हैं। फिर क्या सोचा आपने? तुम्हें जल्दी चिता पर बैठना होगा। का? ही सुझाव दिया है उन्होंने? नहीं, मैंने ही आइडिया दिया है। मतलब आपने ही सुझाव उन्हें दिया कि हमें आग पे जलाएं? तुम्हें क्या लगता है अगर मैंने आग पर बैठने का सुझाव दिया है मैं तुम्हें आग में जलने दूंगा? पूरा का पूरा प्लान तो सुन लो। का? लेकिन ये सब तैयारी करने के साथ साथ मुझे ये भी पता करना है बिंदिया कि नल में लाल रंग का पानी कहाँ से आ रहा था। पर अबे जी, इन सब के लिए आपको घर से बाहर निकलना पड़ेगा। तपुमा वो आपको घर से बाहर नहीं जाने देंगी। उसका इंतजाम भी हो गया है। किसको फोन कर रहे हैं? शेखर को, मेरे असिस्टेंट को। जो मैं तुम्हें करने के लिए बोल रहा हूँ वो तुम्हें किसी भी हालत पर कंप्लीट करना है, समझे? तो उसी तरफ जा रही है जिस कमरे में अभय जी थी। हमें कुछ करना पड़ेगा। तपो मां, आप बहुत महान हैं। तपो मां, हमको बचा लीजिए, हम मर जाएंगे। हमको बचा लीजिए। वैसे भी आपने ही कहा था ना टीवी पर सब पर कि हमारे अंदर प्रेत आत्मा है। आप ही बोलेंगे कि हमारे अंदर प्रेत ना है, वरना सब लोग हमको चुड़ैल समझेंगे, शैतान समझेंगे। तब उमा हमको बचा लीजिए। हमने मामा कहते थे कि गोंडा में एक औरत थी जिसे सब चुड़ैल कहते थे। उसको लोगों ने इतना पत्थर मारा। हम नहीं चाहते कि हमने साथ में वैसा। हमको बचा लीजिए तब उमा, हमको बचा लीजिए। अब तो तुम्हें कोई भगवान भी नहीं बचा सकता बिंदिया। तपो, ये सब बकवास कर रही है। इसके अंदर का जो शैतान है ना वो बोल रहा है। अरे हमरा लल्ला तो ठीक है ना, चलो ना। चलो अब हमें निर्णय लेना ही होगा। तुम कौन? तपोमा, ये शेखर बाबू है, अभय जी के साथ काम करते हैं। हम यहाँ अभय सर को लेने के लिए आए। वो फोन नहीं उठा रहे ना, इसलिए। वो नहीं आ सकते जी, कमिश्नर साहब ने बुलाया है इसलिए उनको आना पड़ेगा। हमरा लल्ला ना बीमार है, वो कहीं नहीं जा सकता। हाँ अम्मा बिल्कुल सही कह रही है। हाँ। मैम उनको आना ही पड़ेगा, अगर वो नहीं गए तो कमिश्नर साहब ने ऑर्डर दिया उनको सस्पेंड कर देंगे। अरे ऐसे किसी की हिम्मत है हमरे लल्ला को सस्पेंड? सस्पेंड का होता है? अरे अम्मा, सस्पेंड मतलब नौकरी से निकाल देंगे। अरे तो क्या हुआ? नौकरी? हाँ। सस्पेंड? नौकरी से हमरे लल्ला की नौकरी चली जाएगी ना? तो वो हमारी लल्ला की नौकरी पर ना कोई आंच नहीं आनी चाहिए। अगर उसे जाना जरूरी है तो जाना ही पड़ेगा ना, जरूरी है का? नौकरी नहीं जानी चाहिए। अम्मा शांत हो जाओ, कह रही है शांत हो जाओ। शांत हो रहे ना, क्या करे, नौकरी की बात है। हम अपनी शक्तियों से अभय को ठीक कर देंगे ताकि वो काम पर जा सके। हाँ
बड़े आए सस्पेंड करेंगे। उठो अभय, इधर आओ। तुम्हें काम पे जाना है, कमिश्नर से मिलना है, वो तुमसे बहुत सारे सवाल पूछेंगे, तुम्हें सच पता लगाने के लिए कहेंगे। लेकिन याद रखना, तुम्हें जो भी सबूत मिले, तुम्हें सारा इल्जाम सिर्फ बिंदिया पर डालना है। लोग अंतरिम मुख्यमंत्री का विरोध करते हुए सड़कों पर आ गए। लगता है कि वो बिंदिया भारद्वाज की जान भी ले सकते हैं। लोगों में काफी आक्रोश है। बिंदिया सरकार, बिंदिया सरकार, बिंदिया भारद्वाज। मैं आज तुम्हारे नाम पर लगा हर झूठा इल्जाम मिटा दूंगा बिंदिया, तुम चिंता मत करना। हमें अपनी नहीं आपकी चिंता है, आप अपना ध्यान रखिएगा। तपो, ऐसे वसीकरण में लल्ला का बाहर जाना ठीक ना है ना? कोई खतरा उतरा तो ना? चिंता ना करो जीजी, हमने उसे सब समझा दिया है। समझा दिया है ना, तब चिंता की कोई बात ना है। अभी अभी मेरी जानकारी के अनुसार तपो माँ शांति नगर के माता मंदिर के प्रांगण में शुद्धि हवन कराने जा रही। माना जा रहा है कि इस हवन से जनता और प्रदेश दोनों को फायदा होगा। तपोमा, हमें बचाइए, इस प्रलय से हमें बचाइए तपोमा। हाँ तपोमा, आज नल में पानी की जगह खून आया है। अगर यही प्रदेश पर राज्य करती रही तो आगे पता नहीं क्या होगा। सब ठीक होगा, इसीलिए हम यहाँ आए हैं। बिंदिया भारद्वाज आ गई। शांत हो जाओ सब।
हमें इस बिंदिया से नफरत नहीं करनी है, हमें उस शैतान से नफरत करनी है जिसने इसके शरीर में अपना घर बना लिया है। हम इस शैतान को निकाल देंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप दोनों इसका हाथ कस के पकड़ लीजिए।